स्क्रीनिंग चल रही है पैरा टीचर्स को लेकर जी, कब तक इसको स्क्रीनिंग को पूरा किया जाएगा और कब तक इनकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी? जी देखिए, हमारे 5,500 पैरा टीचर हैं, इसके हमने 26 अप्रैल से स्क्रीनिंग प्रारंभ की थी और ये 11 तारीख तक चलेगी। 11 को ही हम इनके नियुक्ति आदेश जारी कर देंगे। जो हमारा कॉन्ट्रेक्चर हायर रूल्स 2022 कार्मिक विभाग द्वारा बनाए गए, उसके तहत इनको एडॉप्ट किया गया है और इनको उस नियम के तहत हम, अभी तक ये था कि इनका एग्रीमेंट जो मदरसों से था, अब ये सीधे राज्य सरकार के से एग्रीमेंट हुआ है और उसके तहत इनको अडॉप्ट किया गया और इनकी जो मानदेय था वो भी 16,900 रुपये की गई है। एक बड़ी डिमांड थी जिसके तहत इनका स्क्रीनिंग का कार्य हो गया, इनको नियुक्ति आदेश 11 तारीख को दे दी जाएंगे। सर, इसके बाद क्या मदरसों में भी कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या एजुकेशन में कोई मॉडर्नाइजेशन आएगा? किस तरीके से बदलाव? जी देखिए, बिल्कुल डेफिनेटली इसमें बदलाव आएगा। आपको मैं बता दूं कि हमारे जो मदरसेज हैं, 3510 मदरसे हैं मेरा, वो शिक्षा विभाग की तर्ज पे ही चलते हैं। पूरा जो शिक्षा विभाग के स्कूल चलते हैं, सारी सुविधाएं उनको इन मदरसों को भी दी जाती है। अभी हमारा 1,000 स्मार्ट क्लास का प्रोजेक्ट है जिसमें 40 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने हमें दिए। उसके तहत हम हर मदरसे में 1,000 जो हमने सेलेक्ट किए हैं उनमें स्मार्ट क्लास के ज़रिए टीचिंग की जाएगी। इसके अलावा अभी जो पोशाक दी जाती है स्टूडेंट को, वो पोशाक भी सरकारी स्कूल की भांति मदरसा बोर्ड द्वारा दी जाएगी। कंप्यूटर है और जो दूसरी सुविधाएं TLM है, वर्क बुक है, सारी सुविधाएं जो एक मॉडर्न स्कूल को चाहिए वो राज्य सरकार द्वारा सब उपलब्ध कराई जा रही है। दूसरी बात, जैसा आपने अभी भी पूछा कि अभी हमारे 5,500 पैरा टीचर हैं और अभी 6,843 की हमने नई वैकेंसियाँ निकाली। अभी चूँकि हमारे 2,10,000 अभी स्टूडेंट हैं तो उनके लिए हमारे जो 3500 मदरसाज हैं उनमें हमें टीचर्स की और ज़रूरत है। तो इस तरह से हमारे 12,500 पैरा टीचर हो जाएंगे तो उसमें निश्चित रूप से सुधार भी आएगा। और सुधार का एक आधार हमारा ये भी है कि अभी हमारा मदरसा जो है, शाला दर्पण पे भी राज्य सरकार ने हमें विशेष सुविधा दी है कि शिक्षा विभाग का जो पोर्टल है शाला दर्पण, उस पे भी हम दर्ज हो गए हैं और हमारी जो प्रोफाइल है उस पे भी सारे मदरसा की शाला दर्पण भी अपडेट हो रही है।